वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन में पूर्ण पैमाने पर हमला करने के बाद मॉस्को में यूक्रेन पर हमले के विरोध करने वाले 1700 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया, एक ऐसा कदम जिसकी वैश्विक निंदा हुई है। समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 लोग गुरुवार को पूर्व शाही राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में एकत्र हुए, जबकि कई हजारों लोग मध्य मॉस्को में पुश्किन स्क्वायर के पास एकत्र हुए। पुश्किन चौक में प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया, नो टू वॉर, मैं अभी सदमे में हूँ, मेरे रिश्तेदार और प्रियजन यूक्रेन में रहते हैं। एक महिला ने गुरुवार को मॉस्को में AFP को बताया, मैं उनसे फोन पर क्या बात कर सकती हूँ, आप वहीं लटक जाओ क्योंकि यहाँ लोग विरोध करने से डरते हैं। वहीं दूसरी ओर सेंट पीटर्सबर्ग में नकाबपोश पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को जबरन घसीटते हुए हिरासत में लेते देखे गए। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन को गिरफ्तार करने की भी मांग की। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।